बीच विशाल जी अपने परिवार के साथ कुछ ही क्षण पहले मौजूद हैं, प्रस्तुत हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहूंगा। मंदिर में दाना चुकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल, रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता, रसखान सुनाई देता था। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। संविधान के बारे में कुछ बातें करी जाए, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए जाए। आपको पता होगा हमारा संविधान पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में बनकर पूर्ण स्वराज की मांग करी थी कांग्रेस के सामने। हाँ जी, अंग्रेजों के सामने। तो स्वराज मतलब हमें आजाद, हमें आजाद, टोटल इंडिपेंडेंस। ये कब हुआ था, कब किया? 1930, 26 जनवरी। अच्छा, आज के दिन ही? आज ही के दिन, 1930 को। ये है संविधान का हमारा पहला जो स्टार्ट होता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष और कोई चेंज नहीं कर सकता कोई इन राइट्स को अपनाने। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे ये राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, तो कोई मेरे को रोक नहीं सकता। जी बता रहे थे ये हमारे राइट्स हैं, 7 राइट्स इनिशियली इन लोगों ने पब्लिसाइज किए थे, बट आउट ऑफ विच ओनली 6 आर इंप्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ। हमारे देश में जो नहीं होनी चाहिए थी और आज अच्छे से हो रही है। सेकेंड वन वॉज राइट टू फ्रीडम, इट केम अंडर आर्टिकल 19 and 22। स्वतंत्रता का अधिकार, एज एवरीवन नोस कि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट टू डू व्हाटएवर दे फील लाइक और व्हाट नॉट अंटिल दे आर नॉट कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ हार्म टू एनी सोसाइटी और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली व्हाट नॉट। सो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। ये राइट टू फ्रीडम ऐसा नहीं है कि इट्स फ्री, यू आर फ्री और लिबरल टू डू व्हाटएवर यू विश टू, देयर आर सर्टेन क्लॉज टू इट एज़ वेल। जहां हमें आजादी मिली, जहां हमें बहुत सारी प्रिविलेजेस दिए, राइट्स दिए, हक दिए, हुकूक पे दिए अपने संविधान ने, वहीं पर दूसरी तरफ क्या क्या मांगा उसने हमारे से? ड्यूटी, जिम्मेवारियां। ड्यूटीज जिम्मेवारियां, और कैसी जिम्मेवारियां? नैतिक जिम्मेवारियां। वो जिम्मेवारियां नहीं निभाई हम यहां पहुंचे। सो इसका मतलब आज ये समझना होगा कि मुझे जिम्मेवारियों का एहसास करना होगा। That's very important. Let's go ahead. 24 spokes, और हर एक तीली की अपनी एक अलग महत्व, अलग importance है। और ये जो चक्र लिया गया है, ये लिया गया है कहाँ से बता सकते हैं आप? कहाँ से? अशोक स्तंभ से। कहाँ से? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में पहले तो चरखा था, फिर वो चक्र आया। इसको किसने बनाया है बता सकते हैं आप में से कोई? अभिषेक के सॉन्ग ने काफी भाइयों को यहाँ पे भावुक कर दिया। मैं देख रहा था कि कुछ आंखें यहाँ पे नम हो चुकी थी, और साथ ही वो बैटल फील्ड का सिनेरियो जो क्रिएट किया अभिषेक ने कि संदेश से आते हैं, कैसे चिट्ठियों के माध्यम से हमारे फौजी भाई को खत लिखते थे, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, और एक मैसेज
दिया जाता था फौजी भाइयों को कि भाई जीत के आना। तो जो हम सब भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमें भी हमारे परिवार वाले एक मैसेज कन्वे करते हैं। सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक ठीक ठीक। अच्छा प्रश्न है हमारा, 1949 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 49। अच्छा चलिए ठीक है विकास, इधर से मैं आना चाहूंगा विकास के पास और इस प्रश्न का उत्तर विकास जी देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निखिल, प्रश्न का उत्तर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस सर, बिल्कुल सही उत्तर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकास के लिए बड़ा जोरदार तालियां। Just a little bit.
भी पॉजिटिव ही है, बट अब जब नई जनरेशन है, अब जो जनरेशन आ रही है और आने वाले टाइम में कई डेवलपमेंट हमने खुद करी हैं और हम अपने खुद वेपन्स बनाते हैं और कुछ फील्ड में हम कुछ वेपन्स की अगर कैटेगरी में आए तो हम टॉप पे हैं, हमारे आसपास कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं बना पाई है। बस ये बताना चाहता था। बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत ही इंफॉर्मेशन दी गई निखिल के द्वारा। निखिल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। गुलाबों की बस्ती है, कोई एक दो नहीं, गुलाबों की बस्ती है। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विकास के लिए। घर चले हम विदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। घर चले हम विदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। सांस थमती गई ना जमती ऊंचा रखना इसका जब तक तेरे में जान है। कॉन्स्टिट्यूशन उसके नियम है मेरे हिसाब से, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें प्रिविलेजेस क्या मिली है और साथ में उसकी ड्यूटीज क्या है, हमसे अपेक्षाएं क्या है, हमें करना क्या है। सो एक तरह का एक स्ट्रक्चर दिया गया जिस स्ट्रक्चर में हमारा देश चलना था।
इसी तरह यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ड्यूटीज हैं, यहाँ पर प्रिविलेजेस हैं और यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो इसी तरह से इसको भी, इस सिस्टम को भी यहाँ के नियमों में भी डाल दिया गया। सो एक अच्छा दिन गुजारा हमने, एक अच्छे तरीके से एंजॉय किया हमने, और मकसद यही था कि आपको ये समझाने का, ये याद दिलाने का कि जब आप कभी भी जिंदगी में जाओ तो ये एक बेंचमार्क हो गया, ये आपका एक लेवल सेट हो गया कि आपको पता है कि मैंने जिंदगी का एक रिपब्लिक डे कैसे मनाया था, सोबर बिना नशे के, और बहुत ही खुशी से बनाया था। बोलने के लिए वैसे बहुत कुछ होता है दिमाग में, बट आप जब ऐसे किसी स्टेज पे, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इट सीम्स लाइक कि सब गॉन हो गया है। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू एवरीवन, और माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू सर, क्योंकि मैं आज यहाँ जो खड़ी हूँ, जो रिस्पेक्ट फील कर रही हूँ, और मतलब इट इज़, मैं शब्दों में उसको नहीं आपको बता सकती हूँ कि एक टाइम था मैं भी वहीं कहीं फैमिली में बैठती थी। तो बिलीव मी कि जो भी सर ने यहाँ पे कहा, अभी थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको वाइब्रेटिंग लग रही होगी, थोड़ा इमोशंस आ जाते हैं पुराने, बट बिलीव मी जो कुछ भी सर ने यहाँ पे वर्ड्स बोले, दोज आर गोल्डन वर्ड्स, उन पे काम करिए, उन पे फेथ रखिए, एंड बिलीव मी एक दिन आएगा जब यू विल ऑल्सो गेट दिस रिस्पेक्ट, आपको ये प्यार मिलेगा और आप, यू विल फील प्राउड कि आपने वो एक साल यहाँ गुजारा और आपकी लाइफ में ऐसे चमत्कार हुआ कि एक्चुअली यू मीन्स अ लॉट टू योर फैमिली, टू दिस वर्ल्ड। अपनी कीमत समझिए और अपने घर वालों के प्यार की कीमत समझिए, और जिस लिए आप यहाँ पर हैं, जो सेक्रीफाइस आपकी फैमिली कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए जो ये लोग कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सर से तो जो रिश्ता हो गया है वो कह नहीं सकती, मैं बस फील करती हूँ, और थैंक यू सो मच।